Hey, what's up guys? Windows 11 में फाइनली अपडेट देखने को मिला है, फर्स्ट कम्युनिटी अपडेट। ये अपडेट सभी डिवाइसेस में देखने को मिल जा रहा है, यानी आप चाहे लैपटॉप चलाते हो, चाहे पीसी चलाते हो, चाहे आप विंडोज 11 के स्टेबल पे हो, चाहे विंडोज 11 के देव चैनल पे हो या विंडोज 11 के स्टेबल चैनल पे हो, सबको ये अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ये भी कन्फर्म कर सकते हो, जिन बंदों ने विंडोज 11 इंस्टॉल किया अनसपोर्टेड डिवाइस में, अगर आपको अपडेट की सेक्शन में ये अपडेट देखने को मिल जाता है, इसका मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपको अनसपोर्टेड डिवाइस में अपडेट देखने को मिल जाएगा अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है। अब बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक ये अपडेट नहीं किया तो सिंपली अपडेट में जाइए, आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये अपडेट कल रात में पुश होना शुरू हो गया है सब डिवाइसेस में, यानी सबको देखने को मिल जा रहा है। तो गाइस अब बात फाइनली करते हैं कि इस अपडेट के अंदर हमें देखने को क्या मिल जाता है। तो गाइस इस अपडेट का नाम है KB500674 और ये विंडो 11 में आपको देखने को मिलता है, और इसमें जो बग्स फिक्स किए गए वो हैं। तो गाइस विंडो 11 KB500674 के अंदर सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस अपडेट के अंदर जो आपको नेटवर्क को लेकर इशू आ रहे थे, बग्स आ रहे थे, उसको फिक्स कर दिया गया है। इसके अंदर इंटेल किलर है स्माइट डेल का जो स्मार्ट बाइट नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आई थी उसको भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको यूडीपी में पैकेट लॉस को देखने को मिल रहा था, या आप वीपीएन यूज़ करते हो या वगैरह यूज़ करते हो, उसमें आपको जो स्लो स्पीड देखने को मिल रही थी, इसके अलावा किसी किसी के डिवाइसेस के अंदर जो वेबसाइट होती वही बहुत ज़्यादा स्लो खुल रही थी, तो इसको भी फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट के अंदर। तो भाई इसके अलावा विंडो में अपडेट से विंडो 11 में देखने को नहीं मिलता, आपको विंडो 10 में भी अपडेट देखने को मिल जाता। तो भाई जो विंडो 10 अभी यूज़ कर रहे हैं उनको भी अपडेट देखने को मिल आ रहा है, और ये अपडेट आपको अगर आप 21H2 वाले पे हो या 20H2 वाले पे हो या 2004 वर्जन भी चला रहे हो, तब भी आपको ये विंडो का जो न्यू विंडो 10 पे जो न्यू अपडेट आया KB500670 और KB500667 जो अपडेट आया है, ये आपको अपडेट देखने को मिल जाता है अपडेट सेक्शन के अंदर। और इस अपडेट के अंदर आपको क्या फिक्स देखने को मिल जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज जो विंडो 10 पे जो कम्युनिटी अपडेट आया है वो सब डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें फिक्स करने को देखने को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप थी आउटलुक, वो भी फ्रीज हुई जा रही थी, उसमें एक बग देखने को मिल रहा था, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा एडोबे की जो ऐप्स थी उनमें भी इशू देखने को मिल रहा था, उसको भी फिक्स कर दिया गया, यानी एडोबे रीडर सम टाइम ओपन होता था, क्लोज हो जाता था, अपने आप बंद हो जाता था, उसी तरीके से कई सारी ऐप जो थी उनमें ये बग आ रहा था, उसको फिक्स किया गया विंडो 10 के अंदर। और इसके अलावा कॉर्टना में भी कुछ थोड़ा बहुत इशू था वॉइस को लेकर के, उसको भी फिक्स कर दिया गया इस विंडो 10 के कम्युनिटी अपडेट के अंदर। इसके अलावा गाइस इसके अंदर कुछ ये प्रॉब्लम आई थी, जब आप डिवाइस रिस्टार्ट करते थे तो डिवाइस काम करना बंद कर देती थी, किसी किसी को ये बग देखने को मिल रहा था, सबको नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन उसको भी इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर आपको जो टास्क बार का थोड़ा बहुत इशू था उसको भी फिक्स कर दिया गया इस विंडो 10 के न्यू अपडेट के अंदर। तो गाइज ये था विंडो 10 और विंडो 11 पे जो न्यू कम्युनिटी अपडेट आए थे उसके बारे में सारी जानकारी। लेकिन गाइज इसके अलावा कुछ बंदों को प्रॉब्लम आ रही कि विंडो 10 के अंदर जो न्यू अपडेट आया है वो उनके में इंस्टॉल नहीं हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम आई, तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो CMD होता है यानी कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। उसके बाद आपको ये कमांड टाइप करना है, कमांड टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना, तो आपको कुछ इस तरीके से लिख कर आएगा। देन उसके बाद गाइज आपको अपना जो पीसी है उसे रिस्टार्ट करना ही करना है। जब आपका पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद गाइज फिर आपको अपने विंडो 10 के अपडेट सेक्शन में जाना है, तो आपको वहां पे लिखा हुआ दिखेगा कि अवेटिंग रीस्टार्ट, यानी आपकी डिवाइस जो आपने सॉफ्टवेयर ने सॉरी अपडेट जो डाउनलोड किया था इंस्टॉल में जब आप क्लिक करते हो तो उसके बगल में लिखा हुआ अवेटिंग रीस्टार्ट, तो आपको सिंपली रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना, तो आपका अपडेट जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। अगर इसके बाद भी गाइज अगर आपको दिक्कत आती है तो सिंपली आपको ट्रबल शूट का इस्तेमाल करना है, तो प्रॉपरली आपका जो ये बग है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो गाइज ये था विंडो 11 विंडो 10 का न्यू अपडेट के बारे में, और विंडो 10 पे जो आपको बग्स देखने को मिल रहा था ना इंस्टॉल होने वाला, उसका भी मैंने आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।